नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद में आज भी जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर भाजपा नेताओं ने उनसे माफी की मांग की। हालांकि संसद में खड़गे ने माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लोकसभा में भाजपा और विपक्षी दलों के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। आज खबर ये भी आई है कि संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले 23 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। इससे पहले 29 दिसंबर को समाप्त होना था। बाद में संसद में सामान्य कामकाज भी देखने को मिला है। आज संसद में क्या कुछ हुआ है यह हम आपको बताते हैं। सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए संशोधित छात्रवृत्ति कानून लागू होने के बाद इस वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या के पंजीकरण में वृद्धि हुई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि OBC के लिए जो संशोधित छात्रवृत्ति है उसके लागू होने के बाद शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत OBC के छात्रों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है। राज्यसभा में मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक सदस्य ने तेजाब हमले की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार से तेजाब की बिक्री के लिए कठोर कानून बनाए जाने की मांग की है। शून्यकाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर फौजिया खान ने तेजाब हमले से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि अपराधी को सजा मिलती है लेकिन पीड़ित का पूरा जीवन बदतर हो जाता है। लोकसभा ने मंगलवार को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को संसद की संयुक्त समिति के विचारार्थ भेज दिया है। इस विधेयक का मकसद सहकारी क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ाना और इसकी चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है। कई विपक्षी दलों की मांग के बाद सरकार ने इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजने पर सहमति जताई है। गृह मंत्री अमित शाह ने निचले सदन में इस विधेयक को संयुक्त समिति के विचारार्थ भेजने के प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने मंजूर दे दी। राज्यसभा में मंगलवार को शून्यकाल के आखिर में तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य यह आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच के लिए विपक्ष शासित राज्यों का तो दौरा करता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश और गुजरात का दौरा नहीं करता है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले में जाँच करने की बात की है जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मौतों के मामले में राज्य की नीतीश कुमार नीतीश सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की और CBI से मामले की जांच कराने की केंद्र सरकार से मांग की है। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि देश भर में अभी 8,900 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं जिनसे प्रतिदिन करीब 20 लाख लोग सस्ती दवाइयां खरीद रहे हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद सहित पार्टी सदस्यों ने बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मुद्दे को लोकसभा में उठाया और इसकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के एक उच्च स्तरीय दल से कराने की मांग की है। सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि जून 2022 तक राज्यों का 17,176 करोड़ रुपए का GST मुआवजा लंबित था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है। राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में मनोनीत सदस्य PT ऊषा और YSR कांग्रेस के विजय साई रेड्डी को शामिल किया गया है। ये पहला मौका है जब किसी मनोनीत सदस्य को उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को उच्च सदन में यह घोषणा की है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।